Samsung Plus, Xiaomi Super 2 rebranded. हेलो गाइस, कैसे हैं सब? मुझे उम्मीद आप सब अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। तो मेरा नाम विवेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल बेस्ट विवेक, जहां पर हम टेक्निकल बातें करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है। तो वीडियो को शुरू करें। ओप्पो को लेकर, तो ओप्पो जल्दी इंडिया में एक फोन लॉन्च कर सकता है जिसका नाम होगा ओप्पो रेनो 5A, जो कि एक IP68 सर्टिफाइड फोन है। इसका मतलब ये फोन जो है वो वाटरप्रूफ फोन होगा। तो इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें हम, तो आपको इसके फ्रंट में मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। और इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर मिलता है इसी ओप्पो रेनो 5A में। और इसके बैक में बात करें तो आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है जिसमें आपको 64MP प्राइमरी कैमरा मिलता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP डेप्थ कैमरा, 2MP का मैक्रो कैमरा इसके बैक में देखने को मिलता है। आप अगर बात करें इसके फ्रंट में, तो आपको इसके फ्रंट में जो कैमरा मिलता है वो 16MP का मिलता है। और इसका जो OS होगा वो बेस्ड होगा एंड्रॉइड 11 पर। और इसकी बैटरी कैपेसिटी होगी 4000mAh बैटरी। तो देखते हैं ओप्पो इस फोन को इंडिया में कब लॉन्च करते हो, किस कीमत पर लॉन्च करते हैं। तो अगर ये इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होता है सही कीमत पर, आप मुझे बताइए आप किसे लेना पसंद करेंगे या नहीं, नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो मुझे बड़े प्यार से। अगला अपडेट है OnePlus को लेकर, तो OnePlus जल्द ही एक टीवी लॉन्च करेगा इंडिया में जिसका नाम होगा OnePlus TV 40x1। और अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस को लेकर, तो इसमें क्लियर नहीं है कौन सा प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन ये क्लियर है जो प्रोसेसर मिलेगा वो 64 बिट वाला प्रोसेसर मिलेगा। और इसका जो OS बेस्ड होगा वो होगा ऑक्सीजन प्ले OS, तो आपको Android 9 का सपोर्ट मिलेगा इसी OnePlus TV में। और इसकी स्क्रीन की बात करें हम, तो आपको इसके जो फ्रंट स्क्रीन मिलेगी वो फुल HD प्लस स्क्रीन होगी 1920x1080 पिक्सल के साथ इसकी स्क्रीन मिलेगी आपको इसके फ्रंट में। और OnePlus कुछ इनबिल्ट फीचर्स आपको देगा जो कि Chromecast, और इसमें आपको साथ मिलता है गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा का सपोर्ट भी इसी OnePlus TV में। अगर बात करें हम इसके प्राइस की, तो OnePlus इसको कम से कम 20,000 से लेकर 23,000 तक इंडिया में लॉन्च कर सकता है। आप मुझे बताइए आपके पास कौन सा टीवी है, अगर आप ये टीवी लेना पसंद करते हैं नीचे कमेंट कीजिए मुझे। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ कहा था जैसे कि सैमसंग प्लस Xiaomi का तो रीब्रांडिंग, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि सैमसंग जल्द ही एक फोन लेकर आएगा इंडिया में जो कि एक रीब्रांडेड फोन होगा F52 5G फोन। तो सैमसंग M52 5G फोन को लॉन्च करेगा इंडिया में जल्दी ही, जो कि ये एक रीब्रांडेड फोन होगा F52 5G फोन का। इसी में आपको सेम स्पेक्स मिलेंगे जैसे आपको F52 5G फोन में मिलते हैं। आपको इसमें मिलता है एक 64MP का प्राइमरी कैमरा, इसके बैक में एक क्वाड कैमरा का सेटअप होगा। इसके बैक में आपको फ्रंट में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। बात करें इसके प्रोसेसर की, तो सेम प्रोसेसर मिलेगा जैसे कि स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर आपको F52 में मिलता है, वही सेम प्रोसेसर आपको गैलेक्सी M52 5G फोन में ही देखने को मिलेगा। तो देखते हैं सैमसंग इस फोन को रीब्रांडेड ही लॉन्च करेगा या और कोई नेम देगा, और किस कीमत पर लॉन्च करता है इंडिया में। आप मुझे बताइए नीचे कमेंट करो कि आपको क्या लगता है कि सैमसंग ये काम करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कर सकते हैं बड़े प्यार से। आगे हम बात करें वीवो को लेकर, तो वीवो ने चाइना में एक नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है जो कि वीवो TWS2 और TWS2E है, जो कि एक ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स हैं। वीवो ने कुछ समय पहले इंडिया में वीवो TWS ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स को लॉन्च किया था, लेकिन वीवो ने ये क्लेम किया है जो वीवो TWS2 है उसकी बैटरी लाइफ 30 आवर्स तक होगी विद केस, और जो वीवो TWS2E है उसकी बैटरी लाइफ होगी 27 आवर्स विद केस। और इनके जो प्राइस होंगे वो डिफरेंट प्राइस होंगे। देखते हैं वीवो इंडिया में इस TWS ईयरफोन्स को कब लॉन्च करते हैं, किस कीमत पर लॉन्च करते हैं इंडिया में। आप मुझे बताइए आपके पास कौन से ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स हैं, क्या वो एप्पल के हैं या Xiaomi के हैं या ओप्पो के हैं या वीवो के हैं, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं बड़े प्यार से। तो बस लाल की वीडियो में इतना ही, जाने से पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, नीचे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जय हिंद, वंदे मातरम।